इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से डीप लर्निंग या डीप न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ किए जाते हैं और इनकी एप्लीकेशन क्या हैं अब ये लेक्चर पिछले लेक्चर्स की नस्बत थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन क्या हैं डीप लर्निंग की और उनको कहाँ कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीप न्यूरल नेटवर्क या न्यूरल नेटवर्क या मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स की एप्लीकेशनस बहुत इंपॉर्टेंट है ख़ासतौर पर एम एल पीज़ जो हैं ये वर्सटाइल होते हैं एंड कैन बी यूज फॉर various टास्क वेरियस टास्क इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड to classification प्रॉब्लम्स के लिए जब आप किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं यानी कि आप मशीन uh, लर्निंग के अंदर रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन दो चीज़ें देखी हैं उनको आप जब काम में लाते हैं तो आप बाइनरी एंड मल्टी क्लास क्लासीफिकेशन दोनों के लिए ये, ये यूज़ कर सकते हैं और इवन मल्टी लेवल क्लासीफिकेशन के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं सो so, क्लासिफिकेशन के लिए न्यूरल नेटवर्क बहुत ही अहम है और ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं इफ़ यू कैन एक्चुअली यूज द द हाईली अडेप्टेबल न्यूरल नेटवर्क सेकेंड है हमारे पास रिग्रेशन प्रॉब्लम यानी कि टाइम सीरीज़ का डेटा वैदर फोरकास्ट का डेटा और ये बहुत ही एक्टली प्रोडिक्ट करता है किसी भी किस्म का पैटर्न इन इन रिग्रेशन प्रॉब्लम्स एंड इफ यू आर गोइंग टू लर्न रिग्रेशन प्रॉब्लम्स इन साइकेट लर्न तो आप डीप न्यूरल नेटवर्क की डिफरेंट लाइब्रेरीज को यूज़ करके रिग्रेशन प्रॉब्लम आर्टिफिशल न्यूरल नेटवर्क को भी यूज़ करके उनको रिकग्गनाइज़ uh, करने के बाद अपने पास uh, अच्छे तरीके से रिजॉल्व करके आप कोई वैल्यू प्रोडिक्ट कर सकते हैं देन एज जी पैटर्न रिकग्नेशन पैटर्न यानी कि डेटा के अंदर कौन 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 से पैटर्न है यानी जैसे हम क्लस्टरिंग करते थे या हमने कोई भी किस्म uh, का अनसुपरवाइज लर्निंग का काम करना तो भी हम डीप न्यूरल नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं फिर आपके पास टाइम सीरीज का डेटा है इसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन है इसके बाद देर आर मेनी अदर टाइप्स लेनी इमेज क्लासिफिकेशन होगी इमेज का डेटा हो गया आपका ऑडियो का डेटा हो गया यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद डीप न्यूरल नेटवर्क और इनकी एप्लीकेशंस यहीं पे खत्म नहीं होती देर आर मेनी थिंग्स जो आप इससे कर सकते हैं अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने एक छोटी सी असाइनमेंट बनानी है और एप्लीकेशन ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क या एप्लीकेशन ऑफ डीप लर्निंग इन टूडेज वर्ल्ड इसके ऊपर आपने कम से कम एक पेज लिखना है वन पेजर आपने लिखना है और इसको आपने पोस्ट करना है तस्वीर बना के या कैसे भी और उसका लिंक आपने मुझे देना है इसकी रीज़न क्या है अगर आप इस कोर्स में इनरोल्ड हैं तो ये असाइनमेंट आपके लिए बहुत अहम होने वाली है क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गई कि डीप लर्निंग का रोल क्या है और वाई डीप लर्निंग इज़ इम्पोर्टेंट दैन मशीन लर्निंग सिंपल रेगुलेशन सिंपल एल्गोरिथम्स ऑफ मशीन लर्निंग तो आपको ये और भी अच्छे तरीके से आने वाले दिनों में समझ आएगी मैं ये मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को यहाँ पे अगर आप इस स्क्रीन के ऊपर देखें तो मैं मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को यहाँ पे एक लाइनर यानी कि वन वर्डिक्ट के अंदर पेश करता हूँ द मल्टी लेर परसेप्ट्रॉन या न्यूरल नेटवर्क इज अ फाउंडेशनल न्यूरल नेटवर्क मॉडल दैट पैव द वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डीप लर्निंग यानी कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन विद हिडन लेयर इन साइड एंड एक्टिवेशन फंक्शन ये जो है इसने डी लर्निंग के वे यानी कि उसके रास्ते को बनाया इट्स अबिलिटी टू लर्न फ्रॉम कम्प्लेक्स नॉन लिनियर डेटा सेट हैज मेड इट ए वाइटल टूल इन मशीन लर्निंग टूल बॉक्स अब आप सोच रहे होंगे कि हम बात डीप लर्निंग की कर रहे हैं मशीन लर्निंग क्यों कह रहे हैं याद करें पुरानी डेफिनेशन जिसमें मैंने आपको बताया था कि डीप लर्निंग इज द सबसेट ऑफ़ व्हाट चैट में बताइएगा डीप लर्निंग इज द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग इस वजह से यहां पे अगर आपका लफ्स मशीन लर्निंग भी यूज हो तो आपने घबराना नहीं है न्यूरल नेटवर्क मशीन लर्निंग के लिए भी यूज होते हैं देन आपके पास है हाउ एवर एम एल पीज़ कैन भी प्रॉन टू ओवर फिटिंग एंड मे रिक्वायर केयरफुल ट्यूनिंग ऑफ द पैरामीटर्स एंड आर्किटेक्चर डिज़ाइन अब एक बात याद रखें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एम एल पीज या मल्टीलेयर परसेप्टन या आर्टिफिशल न्यूरल नेटवर्क डीप न्यूरल नेटवर्क की ओवर फिटिंग है ओवर फिटिंग को कैसे रिजॉल्व करना है ये इन शाला हम आने वाले दिनों में देखेंगे जब हम कोडिंग कर रहे होंगे और ओवर फिटिंग को हम और भी करीब से देखने वाले हैं ताकि हमें समझ आए कि ओवर फिटिंग हमारे पास कैसे जो है वो अपना रोल अदा करती है एंड हाउ डीप न्यूरल नेटवर्क कैन बी ट्यून्ड इनकी ट्यूनिंग डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल एल्गोरिथम्स और इनको भी हम बड़े गौर से देखेंगे यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि एप्लीकेशन क्या होती हैं डीप लर्निंग की एंड देन हाउ अ मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन इज इंपॉर्टेंट अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपने कौन कौन सी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है और कैसे उनको यूज करके हम एक प्रॉपर न्यूरल नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे ठीक हो गया समझ गए ना ये करते हैं